फौजी घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे फादर एक पक्के फौजी थे और वो आर्टिलरी में गनर थे, और उनके साथ साथ हम बिल्कुल फौज में जैसे होता है हर तरफ फिरते रहे और फौजी रहे, और बेसिकली हम एक वैल्यू ओरिएंटेड और मज़हबी घराने से हमारा ताल्लुक। पठान होने की वजह से, जिस तरह पठान फैमिलियों में होता है कि जी जल्दी शादी कर दी जाए और जो है ना घर के चला जाए, तो FSC के बाद इसी तरह मेरे माँ बाप का भी यही ख्याल था कि जी इनकी शादी हो जानी चाहिए, और क्योंकि रिश्ते तो हर फैमिलीज़ में होते हैं, तो लेकिन यह है कि मेरा शोर शराबा मचाने की वजह से, क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक़ था और फिर मैं एक अच्छी स्टूडेंट थी, इसलिए मेरी मैट्रिक में FSC में बोर्ड्स में पोजीशंस थी। सो फिर जब मैंने ज़्यादा किया तो मेरी माँ ने कहा कि जी जब ये इतनी मेहनत से पढ़ती रही है और इतने इसने नंबर लेती रही, तो ये अब इसके साथ नाइंसाफ़ी होगी कि हम इसको आगे मेडिकल करने ना दें। अब मैं एक महीना ही मुझे वहाँ खैबर में हुआ था जब मेरे पास कॉल लेटर आ गया कि जी आप सेलेक्ट हो गई आर्मी मेडिकल कॉलेज में। सो अब फिर चैलेंज था, और चैलेंज यह था कि आर्मी मेडिकल कॉलेज में कैसे आएँ, क्योंकि मेरे वालिद समझते थे कि जी जो लड़कियां होती हैं इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, इनका ख्याल करना चाहिए, आउट ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव कह लें, अफेक्शन के, कि वो चाहते नहीं थे कि ये ऐसे उसमें जाए जहाँ इसको बाद में नौकरी करनी पड़े। सो उनको ये कन्विंस करने में फिर टाइम लगा, लेकिन जब वो कन्विंस हो गए तो मैं खैबर मेडिकल कॉलेज छोड़ के आर्मी मेडिकल कॉलेज में आ गई, और जब आ गई, जब 2 साल गुजरे, तो फिर तो वो इतने खुश थे, फिर तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी कि जी ठीक है, शुक्र है ये इधर आ गई और ये अच्छी है और ये एक प्रोटेक्टेड माहौल है और सिक्योर माहौल है। फिर उनको वो चीज़ें अच्छी लगनी शुरू हो गई, क्योंकि बेसिकली थे तो फौजी। साल के कोई भी सोचता होगा ना, मैंने सोचा था, हर दफ़ा ये होता था कि अगला रैंक नज़र आ रहा होता था कि ये रैंक मिल जाए, और उसका शौक होता था, और अल्लाह ताला ने सारे रैंक ब रैंक दर्जा ब दर्जा देते गए। लेकिन यह है कि जब मेजर थी तो कर्नैली का रैंक बहुत बड़ा लगता था, कर्नैल बनी तो लगा कि ब्रिगेडियर बहुत बड़ा है, फिर जर्नैल बड़ा है, लेकिन जब भी अगला रैंक होता था तो मुझे ये लगता था कि ये रैंक क्यों नहीं मुझे मिलेगा, ये मुझे मिलना चाहिए, मैं इसके हकदार हूँ। वहाँ कप्तानी में बैठ के ये लेफ्टिनेंट जर्नैली का रैंक नहीं देखा था। हम सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट मेरी ऑफिस में बैठ के हम एज़ यूजल वो कर रहे थे, कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो करते करते इतने में जो है ना मेरे PA ने मुझे फ़ोन किया, फ़ोन मिलाया, उन्होंने कहा कि जी चीफ बात करना चाह रहे हैं, मैं मिला रहा हूँ, मैं मिला दें। तो अब ये तो क्योंकि मेरी और उधर की गुफ्तगू थी तो इन्हें सुनाई नहीं दी, लेकिन यह है कि जैसे ही मैंने इन्हें इशारा किया ना कि खामोश हो जाएं, तो सबको ना क्योंकि इंतज़ार था इस बात का कि पच कुछ होने वाला है, सो सब ना अपनी कुर्सियों से उठे और मेरे टेबल के आगे आगे आके खड़े हो गए। और इस दौरान में मुझे चीफ ने कहा कि जन साहब बहुत बहुत मुबारक हो, और आपको अल्लाह ताला ने और हमने जो है ना ये मिल के ये किया है, और अल्लाह ताला आपको बहुत मुबारक करे, और ये एक कम्बाइंड फैसला है और ये मेरिट पे हुआ है, और आपको हमने लेफ्टिनेंट जनरल के अहदे पे तरक्की दे दी है। लेकिन बार हार मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा ये ओकेजन था जिससे मैं शेयर करना चाहती थी वो नहीं था, पर अल्लाह का शुक्र है कि बाकी सारी दुनिया थी।